खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां नईगढ़ी जनपद क्षेत्र में विकास धोड़ो पदयात्रा के दौरान विकास के नाम पर सभी ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार की गूंज है। जहां पर भ्रष्टाचारियों के संगठित गिरोह ने योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्यों की राशि को हजम कर लिया है। पदयात्रा के दौरान देखने में आया कि जनता में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से आज वंचित करा रही है। तो वहीं आवास, पेंशन, राशन की योजनाओं में कितने गरीब परिवार वंचित हैं, जिन्हें अपने हक मिलने का इंतजार है। पदयात्रा के समापन बाद 30 नवंबर 2022 को नईगढ़ी जनपद में एकजुट होकर भ्रष्टाचार से पीड़ित शोषित जनता को उसका हक दिलाने और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसको लेकर अगस्त क्रांति मंच संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने हजारों हजार की संख्या में आंदोलन में जनता जनार्दन से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। आदरणीय साथियों, जय हिंद, जय अगस्त क्रांति, सुप्रभात। आज ये विकास ढूंढो यात्रा का 11वां दिन हम लोग अमीरती में नया तालाब के पास हैं। 10 दिन निरंतर जहाँ कहीं गेदौआ मार दी गई है जिंदा रहते हैं, तो कहीं 272 लोगों के नाम काट दिए गए हैं। कहीं गेरुवारी का वो प्लाट जहाँ आज भी जो आदिवासी हैं काला पानी की तरह रहते हैं, चाहे वो बेला कमोद का वो बसोर बस्ती हो जो आज भी कैद हैं, और उनको संस्कार करने के लिए अपने घर के ढेरी पे अपने बच्चे को दफनाना पड़ा, चाहे वो मुड़िला का स्कूल हो जहाँ एक परिसर में 10-10 शौचालय बने हों, चाहे भिटवा और भदावल का वो भ्रष्टाचार हो, जहाँ चाहे वो पहल पार का हो जहाँ पे लाखों रुपए निकल गए काम के नाम में कुछ नहीं, चाहे हकरिया हो, चाहे कोट हो, चाहे वो कसियार गांव हो, सिगरबार हो, वो कसियार गांव जहाँ 7-7 ताल कूप गायब है, 5-5 खेत तालाब गायब है। शुरुआत चाहे रामपुर से रही हो, चाहे अकौरी, भीर, मौहरिया, सगरबार, सोनबरसा, बधवा कठार का ओ शांति धायब का गायब होना, और चाहे तिवरिया में मनबोध का शांति गायब गायब होना, चाहे खर्रा का तालाब गायब होना, और चाहे शांति धाम चारागाह, हर जगह हर पंचायत में भ्रष्टाचार दिखा है, विकास का दफन और कब्रगाह दिखी है, लेकिन नहीं दिखा कहीं तो विकास नहीं दिखा। चाहे बच्चों की थालियों से मध्याह्न भोजन में दिखने वाला पोषण आहार हो, चाहे आंगनबाड़ियों की दुर्दशा हो, चाहे वो खेल मैदान भरिगमा का वो खेल मैदान हो जहां अरहर लगी हुई है, चाहे वो नरैनी की गाय पीसीसी रोडे हो, और चाहे आपके चकरहन टोला का आंगनबाड़ी केंद्र हो, नरैनी का वो सीएफटी भवन हो जो गायब है, वो विद्यालय चाहे जोरौट के विद्यालय हो जो उद्घाटन से पहले पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, आज तक कोई नहीं। दूसरा, आइए, जिस तरह से आपने अपने पंचायतों में उत्साह दिखाया है, जिस तरह से एक समर्पण दिखाया है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का, आशा ही नहीं विश्वास है कि कल आप नईगढ़ी में कई हजार की संख्या में पहुंचेंगे, जिससे भ्रष्टाचारियों को दिखे कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, जिससे दिखे